हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपका कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, रिसर्च, एस्ट्रोनॉमी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, बहुत ही सारे फील्ड्स में वो आपका टॉपिक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो ये टॉपिक हो सकता है कुछ कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिक्स के, जो लोग मैथमेटिक्स या फिर इन पे रिसर्च या फिर पढ़ाई करे हैं स्कूल में, भी हो सकता है किसी ने ये टॉपिक आया हो किसी के सिलेबस में। तो क्योंकि काफ़ी कॉमन सी ये प्रॉब्लम है, बट इसके एप्लीकेशंस बहुत सारी डाइवर्स फील्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? अगर आपके पास कुछ सिटीज़ हैं, मीन सिटीज़, तो यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल लिया गया है, इट कैन बी एनीथिंग। सो अगर आपके पास कुछ सिटीज़ हैं और हम लोग को सारी सिटीज़ को एक बार विजिट करना है और वापस अपनी ओरिजिन सिटी पे आना है, तो ये करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट क्या होगा, इसको आइडेंटिफाई करने को ही आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसके कई सारे वेरिएशन है। एक तो यही है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट क्या है भी कि नहीं, कुछ तो होगा ही होगा। ये आपका, हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज हम लोग एक्स, एक लेंथ है, तो एक्स लेंथ से कम का कौन सा रूट है। तो कई सारे वेरिएशन है, बेस्ड ऑन दोज वेरिएशंस उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी कॉस्ट भी होती है। तो ये एल्गोरिथम जो भी रहती हैं, जो ये निकालती हैं इसके सॉल्यूशन, जो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही निकालने का ट्राई करती हैं, मे बी वो आपका करेक्ट सॉल्यूशन हो ना हो, दैट डिपेंड्स। बट ये जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच के थ्रू इट ट्राइज टू गेट द बेस्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या नियर टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो बेस्ड ऑन इट कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है आपकी। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोगों ने कई टुकड़ों में बांटा है, जैसे पॉलिनोमियल टाइप जो कॉम्प्लेक्सिटी है, या आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल है, या आपकी एनपी हार्ड है, एनपी कंप्लीट है, कई सारे हम लोगों ने उसको क्राइटेरिया में और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उसको डिफाइन कर दिया है कि कौन सी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसका सॉल्यूशन कितना कॉम्प्लेक्स, आप उसको क्लासिफाई कर दिया है किस कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में वो लाई करेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स में अगर आप डेटा सेट कम लोगे, सपोज जैसे इसी एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 3 या 4 सिटीज़ का एग्जांपल लेते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना कौन सा शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं होगी। आप उसका सम कर दोगे सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन का, एन फैक्टोरियल आपके परमोटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे और उसको आप इजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होगा अमंग देम। तो वो प्रॉब्लम नहीं है गिवन दैट कि नंबर ऑफ सिटीज कम है। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ सिटीज बढ़ती जाएंगी, 10, 20, 100, 1000, वैसे ही वैसे इसकी कॉस्ट और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी प्रॉब्लम की बढ़ती जाएगी। फ्रॉम पॉलिनोमियल वो आपकी नॉन पॉलिनोमियल, फिर उस आपका पॉलिनोमियल में भी आपकी वो सुपर पॉलिनोमियल, फिर वो एक्सपोनेंशियल आपका, फिर वो आपका फैक्टोरियल वाइज भी हो सकता है, वो बहुत हाई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, जो कि वर्स्ट केस या फिर आपका जो भी रनिंग टाइम है वो आपका ओवरऑल बहुत बढ़ा देगा आपकी उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो यही मेन चैलेंज आता है सारी प्रॉब्लम्स में, कि ज़्यादा बड़े इनपुट के लिए वो प्रॉब्लम, वो एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगती है। तो यही इसका भी मेन चैलेंज है। इसको वैसे तो कई सारे सॉल्यूशन बन चुके हैं, ब्रूट फोर्स जो सॉल्यूशन जो मैंने पहले बोला था कि आप परमोटेशन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए और उसमें से जो भी मिनिमम कॉस्ट आ रही है वही आपका आंसर होगा, बट वो कॉम्बिनेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसका रनिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एल्गोरिथम का। तो इसके कई सारे आपके एप्लीकेशंस भी रहते हैं, जैसे आपके व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम है, या आपका एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है कि गैलेक्सीज में जो टेलीस्कोप आपके फोकस करते हैं स्टार्स पे, तो वो कौन से मतलब पाथ को लें कि एक वो रोटेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके
मतलब उनका रनिंग टाइम कम से कम हो, कॉस्ट कम हो और वो सारे उतने स्टार्स कवर कर लें, टेकिंग द बेस्ट ट्रैवलिंग सेल्समैन पाथ यू कैन से, कि सारे स्टार्स कवर कर लें और एक ही रोटेशन में वो बेस्ट पॉसिबल पाथ के थ्रू ही जाएं, टेलीस्कोप ऑटोमेटेड। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग सिटीज़ में करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ निकालना है, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स में आती है और इसको हम लोग एनपी हार्ड में बोलते हैं। वैसे ही अगर हम लोग बोले कि सारी सिटीज़ से अगर होके जाना है और सपोज 10 सिटीज़ है और हम लोग को 100 किलोमीटर से कम का पाथ चूज़ करना है, तो ये रिलेटिवली आपका इजी होता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये ऐसा पाथ है कि नहीं है, ये आपका कहीं ना कहीं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम हो जाती है। एनपी हार्ड वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जिनका इवन अगर आपको बोल दिया जाए कि सपोज ये वाला पाथ जो है वो मिनिमम है, बट इवन अगर आपको वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है कि वही पाथ मिनिमम है, तो इवन दैट इज नॉट ऑल्सो पॉलिनोमियल, वो भी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, क्योंकि उसके लिए आपको सब सारे पाथ ही एनालाइज करने पड़ेंगे कि एक्चुअल में फाइंड आउट करने के लिए कि ये पाथ जो सॉल्यूशन हमें मिला है क्या ये एक्चुअल में सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है कि नहीं, मतलब इससे भी कोई कम पाथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वो आइडेंटिफाई करना ही इटसेल्फ आपका नॉन पॉलिनोमियल है। इसके एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो इसके एप्लीकेशंस जैसे मैंने बोला कि लॉजिस्टिक्स है, जैसे अमेजन या कोई कंपनी आपका सामान डिलीवर करती है तो किस किस सिटी से होके जाएगा, इट वो बेनिफिट करता है आपका, इवन अमेजन को भी और जॉइंट कस्टमर है वो भी, उतना ही फ्यूल कम लगेगा, उतना ही टाइम कम लगेगा, उतनी ही कॉस्ट कम लगेगी, तो दोनों के लिए ही वो बेटर है, उतना ही एक तरह से आपका सेविंग होगी अगर बेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से अगर वो ट्रैवर्स करेगा। तो सेम वे डीएनए सीक्वेंसिंग में भी है कि जैसे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डीएनए की आपकी एनालिसिस होती है, सीक्वेंसिंग होती है, तो किस वो लोग कई सारे पाथ देखते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, तो कौन सा बेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एस्ट्रोनॉमी का जैसे मैंने बताया कि टेलीस्कोप आपके कौन कौन से स्टार देखेगा, मिनिमम उसको कौन सा पाथ लेना चाहिए जिसमें सारे उस रेंज में कवर हो जाएं, उतना ही उसका मूवमेंट कम से कम में वो मैक्सिमम कवर कर लेगा। माइक्रोचिप्स में भी है आपका सीक्वेंसिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती है, जो जॉब्स चलती हैं ऑटोमेटेड, वो किस वे में वो वर्क करें, तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। ये तो कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बेसिकली जैसे मैंने बताया कि कई सारी सिटीज़ तो एक एग्जांपल है कि वो कुछ भी हो सकता है। इस केस में अगर हम लोग सिटीज़ मान के चलते हैं कि ये सिटीज़ हैं आपकी, तो इसमें भी दो तरह के होते हैं कि सपोज ए से बी आपका पाथ है वो डायरेक्टेड है, मीन्स ए से बी का आपका जो उसकी कॉस्ट है वो अलग है, बी से ए आपकी कॉस्ट अलग हो सकती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, या आपका बी से ए पाथ ही ना एग्जिस्ट करता हो, तो सपोज अगर आप लोग इसको सिटीज या फिर लोकेशन से रिलेट करके देखोगे, तो सपोज आपको ए प्लेस से बी प्लेस जाना है तो उसका पाथ हो बट बी से ए आने का पाथ ना हो, मे बी ये वन वे हो, आपका जो गूगल मैप में आप देखते हो कि बेस्ट पाथ वो निकालता है, तो हो सकता है बी से ए आपका पाथ ही ना हो क्योंकि वो वन वे रोड हो, ए टू बी ही हो, या बी से ए मान लीजिए मे बी आपका डिवाइडर हो वहाँ पे और बी से ए आने में ट्रैफिक ज़्यादा रहता हो तो वो आपका कॉस्टली पाथ हो गया। तो बेस्ड ऑन दिस डायरेक्टेड ग्राफ ये आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, या स्लोपी रीजन हो, ए से बी आपका ऊपर से नीचे आ रहा हो, बी से ए आपका नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो नीचे से ऊपर जाना आपका कॉस्टली हो गया कहीं ना कहीं, ऊपर से नीचे आना इज आपका इजी, तो ए से बी या बी से ए आपका वेरी कर सकता है इसमें, कॉस्ट कॉस्ट बोल सकते हो आप, डिस्टेंस बोल सकते हो, उसका कुछ भी बोल सकते हो, वो ट्रैवर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट प्लेज अ रोल इन डायरेक्टेड ग्राफ। सिमिलरली आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ में वो रोल नहीं प्ले करता है, डायरेक्शन डजेंट इम्पैक्ट,
के से, जैसे एग्जाम्पल में के से एल और एल सॉरी के से जे और जे से के, आपका एक ही होगी, उसका कॉस्ट अलग नहीं होगा, उसका डिस्टेंस या कॉस्ट आपकी एक ही होगी, क्योंकि इट इज ए मटेरियल। तो सिमिलरली अगर आप बोलोगे कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है आपका, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपका के से जे और जे से के आना आपका एक ही होगा, उसकी कॉस्ट एक ही होगी। सिमिलरली ये एक एग्जांपल है आपका गूगल मैप का, कि कैसे वो आपका मतलब फॉर एग्जांपल यही आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। तो सपोज इतनी सिटीज से आपको ट्रैवर्स करना है, तो वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होगा, ये एक तरह से उसी का एग्जांपल है। तो हैमिल्टोनियन साइकिल जो इसमें लिखा है, हैमिल्टोनियन साइकिल भी वही होता है, वो भी एक तरह का उसका आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन का आप बोल सकते हो कि उसका एक डेविएशन है या फिर उसका एक टाइप है, कि हैमिल्टोनियन साइकिल की वही कि कोई साइकिल है कि नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ का कोई एक साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये पाथ हो गया साइकिल, मतलब कि वो पूरा एक सर्किट बना रहा है, तो सर्किट है कि नहीं। तो सेम ही चीज़ है, गूगल भी कहीं ना कहीं एल्गोरिथम लगा के यही ट्राई टू फाइंड करता है कि मिनिमम आपका कौन सा पाथ है कि नहीं कोई उसमें, जो कि लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट का हो। ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये कहीं ना कहीं ये क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को मिलेनियम प्रॉब्लम्स, 7 प्रॉब्लम को मिलेनियम प्रॉब्लम्स बनाया है, और उसमें $1 मिलियन का प्राइस भी उसने रखा है उन प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करता है। तो स्टिल ये जो पी वर्सेस एनपी प्रॉब्लम है, इसका कहीं ना कहीं आप इसको बोल सकते हो कि ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड दोनों में आती है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली है कि अगर कोई प्रॉब्लम का इट इज इफ इट इज इजी टू चेक दैट अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम इज करेक्ट, बट इट इज ऑल्सो इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब उसका सॉल्यूशन सही है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना इजी है अगर, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इजी है कि नहीं, यही मेन इसका एसेंस है, पी वर्सेस एनपी जो प्रॉब्लम है। और इसमें भी यही चीज़ है कि टिपिकल ऑफ अ एनपी प्रॉब्लम की हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम पे ही डिपेंड वो करती है कहीं ना कहीं। तो कि गिवन दैट एन सिटीज टू विजिट, हाउ कैन वन डू दिस विदाउट विजिटिंग अ सिटी ट्वाइस। तो ये प्रॉब्लम को आपका क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने मिलेनियम प्रॉब्लम्स में से आइडेंटिफाई कर रखा है। और सिमिलरली रीमन हाइपोथेसिस भी है, जो कि आपका प्राइम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है, वो भी एक आपका मिलेनियम प्रॉब्लम्स में से है। तो ये प्रॉब्लम्स के एक्चुअली एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हैं कि पी वर्सेस एनपी प्रॉब्लम का टीएसपी तो जो है एक आप बोल सकते हो कि एक टाइप है, सबसेट है। अगर एक अगर ये आइडेंटिफाई होता है कि पी इक्वल टू एनपी है, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो। इसी वजह से कहीं ना कहीं इनके या फिर रीमन हाइपोथेसिस के हैं, जो कि आपका क्रिप्टोग्राफी में भी यूज़ होता है, प्राइम नंबर जो कि आपके होते हैं हैशिंग में यूज़ होता है, तो उनके एप्लीकेशंस रियल सिनेरियो में इतने ज़्यादा हैं और इतनी प्रॉब्लम्स एंड में आके वहीं पे अटक जाती हैं, क्योंकि उनका सबका जो है वो बेस है वो एक ही आप बोल सकते हो है प्रॉब्लम्स का। एक सॉल्व होने से मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो कि आपकी डाइवर्स डोमेन को अफेक्ट करेंगी, इसीलिए ये इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक है। आप अगर ये देखोगे तो अभी भी इनकी साइट पे ये प्रॉब्लम स्टिल आपको अनसॉल्व करके दिखाई देगी। तो सिमिलरली ये भी उसी तरह का एक एग्जाम्पल है, कि इसमें आपका ये एसिमेट्रिक आप बोल सकते हो एक ग्राफ है, जिसमें आपका ए टू डी सपोज कॉस्ट है 2 और डी टू ए आपकी कॉस्ट है 1, तो ये एक ही नहीं है। अगर ये यहाँ पे भी 2 होती, यहाँ पे भी 2 होती, तो ये सिमेट्रिक होता, मतलब सारे कॉम्बिनेशंस में इसी तरह से, बट ये अलग अलग है तो ये आपका
डायरेक्टेड ग्राफ है आप बोल सकते हो, मतलब एसिमेट्रिक है। तो इसमें भी तरीके हैं, कई सारी एल्गोरिथम है आपकी। ब्रूट फोर्स तो एक बेसिक तरीका है निकालने का, बट कई सारी ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है कि वो ट्राई टू गेट द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन निकालने का वो ट्राई करती हैं ह्यूरिस्टिक जो भी आपकी होती है एल्गोरिथम। इसमें भी आपको जैसे कि इसमें कई सारे पाथ हैं आपके वापस ए टू ए आने के, जो कि पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें ये करना है कि ए से ए ही आना है घूम के, सारे नोड्स कवर हों, सिर्फ एक बार कवर हों। लेकिन ये तो खैर इसमें तो बहुत कम डेटा सेट है, सिर्फ आपकी 5 नोड्स हैं। ऐसे ही आपकी 500 नोड्स भी हो सकती हैं, 5,000 भी हो सकती हैं, वो बहुत उसमें आपके केसेस बनेंगे। तो इसको करने के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम है जो कि अभी तक डिज़ाइन हो गई हैं, जिनके अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, बट स्टिल जो बेस्ट भी निकली हैं वो भी आपकी कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी वाली हैं, या उनका आपका क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा है हाई, वो बहुत ही कॉस्टली एल्गोरिथम है वो। इसमें भी अगर आपको बेस्ट रूट निकालना होगा तो उसके लिए आपको सारे रूट ही देखने पड़ेंगे, तभी आप कह पाओगे कि ये बेस्ट है, सारे नोड को एक बार कवर कर रहा है। तो इसी वजह से ये कॉस्टली है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो कई सारे इसमें तरीके हैं, ह्यूरिस्टिक भी है आपका और ब्रांच एंड बाउंड भी है, कि वो जैसे कॉस्टली पाथ निकलता है, या फिर डिक्रीजिंग लोअर बाउंड भी है आपका, अपर बाउंड भी है आपका, कि वो कम करता चला जाता है और वो पाथ एक्सक्लूड करता जाता है जो कि आपके कॉस्टली होते हैं। तो इट ट्राइज टू गिव यू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द लीस्ट टाइम। इसके वही मैंने जैसे बोला था, इसके एप्लीकेशंस आपके बहुत सारे हैं। और सिमिलरली जो पी वर्सेस एनपी प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं, जो एनपी कंप्लीट या एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड, या आपकी कई सारी जैसे बिटकॉइन है आपकी, हैशिंग है आपकी आपका, तो उनके बेसिस पे प्राइम नंबर्स हैं आपके, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टराइजेशन है आपका। कई सारी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनके बेसिस पे, जिनको बेस मान के हम लोगों ने सिक्योरिटी, या फिर हम लोग ऑथेंटिकेशन, या फिर कई जगह पे इनक्रिप्शन करते हैं, उनका बेसिस ही वही है। तो अगर पी वर्सेस एनपी प्रॉब्लम जो है आपकी, कि जो भी जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं, अगर हम लोग उनको पॉलिनोमियल टाइम में एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, तो जितने भी आपकी ये सिक्योरिटी है या फिर क्रिप्टोग्राफी है, इनक्रिप्शन है, वो सब आपका कहीं ना कहीं उससे फिर सफ़र करेगा अगर वो चीज़ प्रूव हो गई तो। बट स्टिल अभी वो पी इज इक्वल टू एन पी आपका प्रूफ नहीं हुआ है, और उसी पे ही वो प्राइज जो था आपका वो अभी रखा है क्लीन मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि वो अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है, मतलब इसका प्रूफ नहीं कोई दे पाया। ये आपका एक कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस है कि कौन सी प्रॉब्लम्स जो है आपकी पॉलिनोमियल टाइम में, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ये नीचे से ऊपर हार्डेस्ट तक जा रहा है, ऊपर तक एनपी हार्ड आपकी जो सारी टफेस्ट प्रॉब्लम्स में से आप बोल सकते हो। तो टीएसपी भी आपका एनपी हार्ड में ही आता है, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ आप बोल सकते हो। और अगर हम लोग उसको वो कर दें कि सपोज एक पार्टिकुलर वैल्यू से कम का शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसको डिसीजिव फॉर्म में ले आए अगर हम लोग, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी एनपी कंप्लीट बन जाती है। सिमिलरली एनपी कंप्लीट आपकी एनपी हार्ड और एनपी दोनों में ही होना चाहिए। तो ये एक अलग ही एक टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्सिटी का। सेम इसमें भी वही एग्जांपल है आपका कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है वो आपकी एनपी हार्ड में आती है, कि क्या सॉल्यूशन है एग्जैक्टली। और एनपी कंप्लीट में भी आती है अगर हम लोग कोई पार्टिकुलर वैल्यू से कम का अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहे कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं कोई हैमिल्टोनियन सर्किट, या फिर आपका शॉर्टेस्ट पाथ। वैसे ही कई सारी ग्राफ आइसोमॉर्फिस में जैसे प्रॉब्लम है, या आपकी एनपी है, कई सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक तरह से पी इज अ बिगर बिगर चंक, पी के अंदर आपका पी कंप्लीट आ गया। सिमिलरली एनपी है, एनपी के अंदर एनपी कंप्लीट आ गया। एनपी कंप्लीट बेसिकली आपकी
डिसीजिव प्रॉब्लम्स होती हैं, एनपी हार्ट आपकी डिसीजिव प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है वो आपका एनपी हार्ट में आएगा, सॉरी कोई क्या सॉल्यूशन है वो आपका एनपी हार्ट में आएगा, और डिसीजिव की है भी कि नहीं है वो आपका एनपी कंप्लीट में आएगा, और भी उसके कई सारे क्राइटेरिया रहते हैं। तो ये बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्सिटी का ही एक तरह का ये कैटेगराइजेशन है आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सेशन यहीं तक था, आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, और इसके बाद मैं जो सेशन बनाऊंगा वो एनपी प्रॉब्लम्स पे बनाऊंगा, एनपी वर्सेस एनपी, तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट का जो प्राइज़ है वो भी बेसिकली उसी पे ही है, पी वर्सेस एनपी पे। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी पी वर्सेस एनपी, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो अगर एक सॉल्व होती है पी इक्वल टू एनपी प्रूव होता है, तो इसका मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी एनपी हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिराइव हो सकती हैं, और उनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब वेरीफाई भी कर सकते हैं उसको हम लोग पॉलिनोमियल टाइम पे, और उसको हम लोग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम पे। तो ये प्रूफ अभी तक हुआ नहीं है, बट इसी वजह से ये पूरी जो है इट इज़ अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, और ये आज तक अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है। ओके, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।